sarvabhuteshu. Sarva vyapi sarva bhutantaratma karma adhyaksha sarva bhuta diva Sakshi Chita Kevalo Nirgunascha Om Shanti Shanti Shanti. आनंद में अविनाशी आत्मस्वरूप शरीर से मेरी बहनों और भाइयों, आज के प्रवचन को मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी सत्य की खोज पर थे। एक दिन रात को वो गंगा के तट पे गए। महर्षि एक महर्षि जो हैं वो बजरे में रहा करते थे। देवेंद्रनाथ नाम था उनका, महर्षि देवेंद्रनाथ। बजरा देखा होगा या नहीं देखा होगा, नाव का एक बहुत बड़ा रूप होता है। वो बहुत बड़ी नाव होती है, उसी में नहाने का होता है, कमरा भी होता है, खाना बनाने का भी होता है। वाराणसी में तो कई बजरे हैं, प्रयाग में भी कुंभ मेले के समय सरकार वाराणसी से बजरे मंगवाती है। हमारे साथ जो लोग कुंभ मेले में गए थे काफ़ी साल पहले, उस बजरे में उन्होंने स्नान वगैरह किया है। तो उसी बजरे में महर्षि देवेंद्रनाथ रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद तैर करके गए उस बजरे तक। बजरे पर चढ़ करके दरवाज़ा खोल करके सीधे महर्षि के पास पहुँचे और उनके कंधे को हिला करके कहा, बताओ ईश्वर है? अब उन महर्षि के लिए भी ये एक नई घटना थी कि कोई व्यक्ति इस तरीके के आधी रात के समय अंधकार में पानी से भीगा हुआ है और आकर के एकदम उसे पूछ रहा, क्या ईश्वर है? तो महर्षि देवेंद्रनाथ ने कहा कि अरे भाई बैठ जाओ आराम से, थोड़ा सुस्ता लो, फिर इस पर बात करते हैं। इतना उत्तर सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, बस बात ख़त्म हो गई, उत्तर हमें मिल गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो तुरंत नदी में फिर छलांग लगाई, किनारे आए और चले गए। कुछ समय के बाद वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। अब वहाँ पहुँच करके भी यही किया जो महर्षि देवेंद्रनाथ के यहाँ किया था। रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँच करके उन्होंने उनसे ठीक ठीक सीधा सीधा एकदम से हिला करके, बताइए क्या ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं है।
और अगर तुझे जानना हो तो बैठ जा मेरे सामने। बस इतना उत्तर था कि स्वामी विवेकानंद का जीवन स्वामी बन गया, जीवन परिवर्तित हो गया। अब क्या अंतर था महर्षि देवेंद्रनाथ के और परमहंस रामकृष्ण के, जो स्वयं विवेकानंद जी ने भी कहा है इसे स्वीकार, कि क्या क्या दोनों के उत्तर में अंतर क्या था? बहुत बड़ा अंतर था। विवेकानंद जी कहते हैं एक के पास झिझक थी, मैंने पूछा हुआ है तो बैठ जाओ ये करो, और एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस का बेझिझक कहता ईश्वर ही है और कुछ नहीं है, बैठ जाओ अगर सीखना है तो। अब देखिए छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात छिपी है। आप लोग भी कई बार ये सोचते होंगे, साधना करते हैं ईश्वर का दर्शन नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। अरे पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे विश्वास से झिझक निकल गई है। ये झिझक मिला हुआ विश्वास कुछ चलाएगा तो गाड़ी को, मगर जो अंतिम लक्ष्य है, साध्य है, उसकी अनुभूति के लिए तो बिना झिझक वाला विश्वास चाहिए। बेझिझक जिस विश्वास पैदा हो जाता है तो उसी समय आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ध्यान की सार्थकता इसी में है। अभी शर्मा जी ध्यान की भी बात कर रहे थे, बहुत सी बातें उन्होंने बताई, ध्यान की भी बात कर रहे थे, और ध्यान योग आश्रम में ध्यान की बात होनी भी चाहिए और ध्यान आवश्यक भी है। ध्यान के अतिरिक्त ध्यान के बारे में थोड़ी सी गहराई में ले चलना चाहूँगा। नाभि से ध्वनि पैदा होती है, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ और ये आप सबका अनुभव भी है। जो भी ध्वनि उठेगी ना, जब भी कोई ध्वनि उठेगी तो नाभि का हिस्सा पीछे जाता है। नाभि से ध्वनि पैदा होती है, ध्वनि जब कंठ में आती है तो शब्द बन जाती है। तो जब नाभि से ध्वनि पैदा हो तो ध्यान ध्वनि पे करो। जब ध्वनि शब्द बन जाए तो ध्यान शब्द पे करो। फिर शब्द विचार बन जाते हैं तो ध्यान विचार पे करो। शब्द ही जोड़ करके विचार बनते हैं तो ध्यान विचार पे करो। विचार से व्यवहार निकलता है, ध्यान व्यवहार पे करो। व्यवहार से चरित्र निकलता है, ध्यान चरित्र पे करो। जैसा व्यवहार होगा वैसे ही तो चरित्र होगा ना। जैसा चरित्र होता है वैसा ही व्यक्तित्व होता है, आप ध्यान व्यक्तित्व पे करो। जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही कर्म निकलते हैं, ध्यान कर्म पे करो। और जैसा कर्म होता है वैसा भाग्य बनता है। बताओ ये श्रृंखला कैसी है? क्या तुम्हें खोल के नहीं रख देती पूरी तरीके से? ध्वनि से यात्रा शुरू होती है और भाग्य तक तुम्हें ले जाती है। करो, इन सब पे ध्यान करो, देखो। हाँ, बीच में आदत भी आती है, वो चरित्र से ही जुड़ी हुई है। किंतु ये यात्रा भीतर से बाहर की है। जो आपने न पकड़ा होगा, ध्वनि से शुरू होकर के भाग्य तक ले जाती है, ये भीतर से बाहर की यात्रा है। बाहर के जीवन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी है। अब अंतर यात्रा पे चलो। अंतर यात्रा नाभि से शुरू होती है, नाभि से ध्वनि उठती है, जिसको नाद और बिंदु साधना कहते हैं। एक उपनिषद ही है नाद बिंदु उपनिषद, नाद ध्वनि को ही कहते हैं। नादात्मकम जगत सर्वम, सारा जगत नाद से भरा हुआ है, ध्वनि से भरा हुआ है। तो अब वो यात्रा जो नाभि से शुरू होती है, वो किस तरीके से
सूक्ष्म होते 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 सहस दल कमल तक बिंदु पर ले आती है, इसका प्रयोग इस ध्यान योग आश्रम में बरसों से कराया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सफलता भी लोगों को मिली है, किसी को ज़्यादा किसी को कम सफलता मिली ज़रूर है। वो अंतर यात्रा है, वो नाभि से शुरू हो करके सात दल कमल तक ले जाएगी। ध्वनि पे पहले यात्रा ध्यान होगा, फिर ध्वनि सूक्ष्म होती जाएगी और सूक्ष्म होती जाएगी और सूक्ष्म होती चली जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि अनहद हो जाएगी। अनहद माने बिना टकराए, साउंड बॉन्ड विदाउट फ्रिक्शन हो जाएगी। बिना टकराए जो पैदा होती है ध्वनि वो पैदा हो जाए। उस ध्वनि तक की यात्रा के बाद फिर आगे की यात्रा में कुछ नहीं करना, फिर सब सहज हो जाएगा, अपने आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो ये दोनों तरीके की यात्रा हैं जीवन में, जिनको तुम पर दोनों ही बाहर के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए ध्वनि से शुरू होकर के भाग्य तक आना है, और उधर उल्टी यात्रा करनी है रिवर्स गियर में, ध्वनि से लेकर के परमात्मा तक की यात्रा है। तो ये कुछ बातें ध्यान के बारे में हुई। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं एक और कहानी पे आ रहा हूं। कहानी इस प्रकार है कि एक योगी शहर में जो नदी थे, नदी के उस पार आए हुए थे। योगी के बारे में ये चर्चा थी कि वो सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें आत्मानुभूति हो चुकी है, तो शहर में जिस राजा के राज्य में ये शहर था या शहर के उस पार का हिस्सा था, उस राजा की जो पत्नी थी रानी, उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इन योगी जी को भोजन कराऊं। राजा से अपनी इच्छा प्रकट की, राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी, ठीक है जाओ भोजन कराओ। रानी ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, अब राज परिवार से भोजन अगर कराया जाएगा तो फिर वो, मुझे भी एक बार मौका पर मिल चुका है ऐसा, वो मुझे याद आ रहा है, प्रकाश जी भी थी मेरे साथ में और भी 8-10-12 लोग थे। ये आनंदमय मां ने गुंडल एक, हाँ ये गुजरात में है, गुजरात में दो हिंदू स्टेट थी, गोंडल और भावनगर, और जूनागढ़ मुस्लिम स्टेट थी। तो गोंडल एक बहुत बड़ी स्टेट थी, तो महाराजा गोंडल ने आयोजित किया था वो कार्यक्रम साधना शिविर का, आनंदमय माँ, और आनंदमय माँ ने उन्हें विशेष रूप से ये कहा था कि योगी राज जी को बुलाना है। तो मून महाराजा का सीधे पत्र यहाँ आया, उस समय आश्रम बनना ही शुरू हुआ था, मैं यहीं पास में नारायणा के सी ब्लॉक में C11 में नायर साहब हैं, उन्होंने अपने ऊपर का हिस्सा मुझे रहने के लिए दे दिया था, तो मैं वहीं रह करके देख रेख कर रहा था। वो पत्र पटेल नगर के पते पे आया था शायद, उस पत्र में आग्रह था कि आप आइए, और माँ आनंदमयी माँ ने विशेष रूप से कहा है कि उनको बुलाना है। वहाँ तमाम जगतगुरु महामंडलेश्वर तमाम महात्मा उनके शिविर में, आनंदमयी माँ का तो बड़ा प्रभाव था ना उनके साथ, बल्कि मेरा चित्र भी है जो यहीं रखा हुआ है। तो वहाँ भी मुझे, मैं वहाँ गया था कुछ अब शर्तों के साथ में कि मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ पूरा एक बैज आवेगा, जिसको कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और पूरा एक एक, एक, एक वो था, काफ़ी लोग गए थे, और उन्होंने पूरा एक गेस्ट हाउस जो था पूरा का पूरा हमारे लिए खाली करवा के रखा था, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ एक दिन महाराजा के यहाँ, ऐसे तो लंगर में भोजन बनता था,
हम महात्माओं के लिए अलग बनता था। एक दिन महाराजा के यहाँ भोजन था, इस तो उनके यहाँ भोजन में ये समझ लीजिए कि कितनी वैरायटी थी उसको गिनना मुश्किल था। गुजरात में चीज़ थोड़ी सी देते हैं मगर वैरायटी बहुत करते हैं, तो जितनी देर हम खाना खाते रहे एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वो नई से नई चीज़ लाता गया उसमें रखता गया। ये भी मुश्किल था कि इनमें से किससे खाओ किसे न खाओ। तो मैं उस कहानी पे आता हूँ। तो रानी जो है वो स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन बनवा करके ले गई, मगर उसने राजा से कहा कि महाराज एक बात बताइए कि ये नदी में कोई पुल तो है नहीं और नाव भी नहीं है, तो मैं उस पर जाऊंगी कैसे। कहानी बहुत अर्थपूर्ण है, मैं उस पर कैसे जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि तुम नदी से कहना कि जिस योगी के लिए मैं भोजन लेके जा रही हूँ, अगर ये वो उपवासा है, यानी उपवासा है, तो नदी मुझे रास्ता दे दे ताकि मैं उसे भोजन पहुँचा सकूँ। कहानी कहती है कि महारानी ने जाकर के यही नदी से कहा और नदी ने रास्ता दे दिया। इस तरह से मिलती जुलती कथा एक कृष्ण और गोपियों के जीवन में भी आती है। ये मिथक हैं, ये कईयों के साथ जुड़े हुए हैं, मगर मैं जिस अभिप्राय को लेकर के इसे कहना जा रहा हूँ वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। नदी ने दे दिया, वो पार चली गई, जाकर के तमाम स्वादिष्ट भोजन उसने योगी के सामने रखा। योगी ने सब स्वादिष्ट भोजन कुल का कुल खा लिया। अब रानी देखती रह गई कि ये योगी हैं और इतने स्वादिष्ट भोजन को बिना झिझक इन्होंने खाया। भोजन करने के बाद अब रानी के सामने फिर समस्या खड़ी हुई कि उधर से तो भोजन के लिए मैंने कहा था जाने के लिए, तो नदी ने रास्ता दे दिया था कि अगर वो योगी जो हैं वो उपवासा हो तो रास्ता दे देना, अब इधर से कैसे रास्ता मिलेगा। जब इधर से कैसे, तो उन्होंने रानी ने योगी से ही पूछा कि महाराज आप बताओ इधर से हमें कैसे रास्ता मिलेगा उस पार जाने का। तो योगी कहता क्या है कि जब नदी के पास जाना तो वहाँ से कह देना कि अगर वो योगी जिसके पास मैं भोजन लेके गई थी अगर वो उपवासा हो तो तुम रास्ता दे दो। अब ये रानी के लिए एक और समस्या आई कि हमारे सामने इतना भोजन इन्होंने किया और ये उपवासे कैसे हो गए, और ये कह रहे हैं ये कह देना नदी से तो नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। वो रानी भोजन करवाने के बाद नदी के किनारे गई और जाके वहाँ उसने कहा कि अगर वो योगी जिसको मैं भोजन करा के आई हूँ अगर वो उपवासा हो तो मुझे रास्ता दे दो। और वो कहानी कहती है कि वो रास्ता दे दिया और वो इस पार आ गई। आने के बाद रानी ने ये प्रश्न राजा के सामने रखा कि महाराज ये नहीं समझ में आया, आपने कहा इधर से जाते समय उस नदी से कह देना उपवासा हो तो रास्ता दे देना, वो तो समझ में आई बात, और उधर से आते समय भी उसने कहा उपवासा कह देना कि अगर वो योगी उपवासा हो तो रास्ता दे देना, तो उधर से भी रास्ता मिल गया। और मेरे सामने उन्होंने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खूब अच्छी तरीके से खाए, उपवासे कैसे हुए। तो राजा ने कहा कि रानी बात यह है कि तुम उपवासा शब्द का तथ्यात्मक अर्थ ले रही हो, सत्यात्मक अर्थ नहीं ले रही हो, और यह हमारी सबकी भूल है। हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं मगर तथ्य को पकड़ करके, और तथ्य और सत्य का भेद एक प्रवचन में मैं और बता चुका हूँ लकड़ी छोटी और बड़ी का उदाहरण दे करके, आज पुनः इसको दूसरे ढंग से सामने रख रहा हूँ। हम तथ्य को पकड़ करके सत्य, हमने किया क्या हुआ है, हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्मानुभूति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, सब है, मगर हमने किया क्या हुआ है। जैसे ये हाल है, अब इस हाल में चार और चार आठ खिड़कियां हैं, इस हाल के अंदर
अगर मान लो एक खिड़की पर, इस खिड़की पर एक आदमी खड़ा हो जाए खिड़की खोल करके, और एक आदमी उधर की एक खिड़की पे खड़ा हो करके खोल खोल के खड़ा हो जाए, तो इधर की खिड़की पर खड़ा हो करके देखने वाला आदमी बतावेगा कि मुझे 3 फीट 4 फीट पे बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और जो उधर की खिड़की पे खड़ा होकर के बताने वाला होगा वो क्या कहेगा कि मुझे तो 10-12 फीट की दूरी पर बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है और उसके बाद पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इधर कोई वो सामान बेचने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों के दर्शन में भेद है, दोनों के देखने में भेद है, दोनों अलग अलग सूचना दे रहे हैं खिड़की पे खड़े होकर के। किसकी सूचना पूर्ण है, पूरी सूचना किसकी है? किसी की नहीं। एक खिड़की से वो देख रहा है, एक खिड़की से वो देख रहा है, एक खिड़की से वो देख रहा है, और तुम खिड़की से परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हो, यही भूल कर रहे हो। और जिस दिन तुम हिंदुओं की एक खिड़की है, आर्य समाजियों की एक खिड़की है, सिखों की एक खिड़की है, मुसलमानों की एक खिड़की है, यहूदियों की एक खिड़की है, ईसाइयों की एक खिड़की है, कितनी खिड़कियां हैं, 300 धर्म की 300 खिड़कियां, और खिड़की से परमात्मा को दिखलाने की कोशिश की जाए और इसका प्रचार। और जो खिड़की की बात करता है वो प्रवचन में बहुत सफल है, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेता, और मेरे जैसा व्यक्ति जो खिड़की तोड़ने की बात करता है, परमात्मा तुम्हें खिड़की से नजर नहीं आवेगा, बात समझ में नहीं आती है, हम थक जाते हैं समझाते समझाते, फिर भी आदमी के समझ में नहीं आती। तुम खिड़की से खड़े होकर परमात्मा को देखना चाहते हो, आर्य समाजी बन के परमात्मा को, हिंदू बन के समझाते देखना चाहते हो, ईसाई बन के परमात्मा को देखना चाहते हो, खिड़कियां हैं ये, देखो खिड़की से तुम्हें एक दृश्य दिखाई देगा, दूसरी ओर दूसरे मतभेद। कहते हैं सब एक हो जाओ, अपने अपने कर्मकांड करो, सब एक हो जाओ, कभी नहीं एक होगा। एक खिड़की वाला कुछ पता देगा, दूसरे खिड़की वाला कुछ, पर पीठ से पीठ तो मिलाई जा सकती है धर्म के नाम से, मगर चेस्ट से चेस्ट को मिलाया वो तो, जब तक खिड़कियां बंद नहीं की जाएंगी, खिड़कियों से नहीं छोड़ा जाएगा कोई, तब तक परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। मेरी बात चोट की तरह लगती होगी मगर ये सच्चाई है, या करो इनकार तुम। और खिड़कियों का प्रचार होता है, खूब तेजी से प्रचार होता है, नाम ले लेकर के प्रचार किया जाता है। कृष्ण भक्त ऐसी जोर से प्रचार, कृष्ण भक्ति की बात करेगा, वो नहीं देखेगा गीता में कृष्ण क्या कह गए हैं। अब परमात्मा है, तुम अगर शास्त्रों में उलझो तो उलझ के रह जाओगे। सो उपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म, अब चलो सो उपाधिक ब्रह्म क्या होता है, निरुपाधिक ब्रह्म कहता है, कर्ता ब्रह्म अकर्ता ब्रह्म, अब कर्ता क्या होता है, फिर अकर्ता कैसे हो गया, स्थिर ब्रह्म प्रवाहशील ब्रह्म, वही ब्रह्म स्थिर भी है और वही प्रवाहशील है। अब एकदम विरोधी बातें तुम्हें मिलेंगी और तुम उलझ के रह जाओगे, उन सब से निकालने के, ये सब खिड़कियों में अटकने की बात है, उन खिड़कियों से मैं किसी तरह हटा लेना चाहता हूं। तो राजा से ने कहा कि देखो बात यह है, तुम उपवासा शब्द का सही अर्थ नहीं ले रही हो, तुम उसके सत्यात्मक अर्थ को नहीं पकड़ रही हो, तथ्यात्मक अर्थ को पकड़ रही हो। उपवास का अर्थ तुम ये ले रही हो भोजन न करना, जबकि उपवास का सही अर्थ होता है आत्मा के पास होना। उपवास, उपवास का सही अर्थ ये जो है ये सब्जेक्टिव मीनिंग है कि परमात्मा के पास होना, तो तुम उस अर्थ को नहीं ले रही हो, तुम उपवास का अर्थ वो ले रही हो भोजन न करना, इसलिए तुम्हें तुम इन प्रश्नों में उलझ के रह गई हो कि उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन कर लिया और सब कर लिया फिर भी उपवास आ गए। अरे वो आत्मा के निकट है, वो आत्मा के पास बैठा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात को। तृष्णा से प्रेरित होकर भोजन करना एक बात है, और आवश्यकता से प्रेरित होकर के भोजन करना दूसरी बात है। जो आवश्यकता से प्रेरित होकर भोजन करता है वो करते हुए भी नहीं करता,
केवल पेट की आवश्यकता पूरी कर रहा, जो तृष्णा से पूरी होकर भोजन करता है उसकी कामनाएं उसको भोजन में बांध के रख देती हैं, उसको फिर चाहिए वो क्या कौन कौन से फूड है, जब नाम तो गिना दो दो चार हम तो भूल भी जाते, फास्ट फूड ये चाहिए ये चाहिए, यह तृष्णा है। अब तृष्णा से प्रेरित व्यक्ति मुझसे ये कहे कि ईश्वर का साक्षात्कार मुझे नहीं हो रहा या मुझे आत्म शांति नहीं मिल रही है, कैसे मिल सकती है? तो तुम उपवासा शब्द का ये तथ्य और सत्य का भेद समझ लो, ये स्त्री है ये पुरुष है, ये नर है ये मादा है, ये मेल है ये फीमेल है, ये भेद तथ्यात्मक हैं या सत्यात्मक हैं? तथ्यात्मक भेद हैं। सत्य में खड़े हो जाओ ना कोई स्त्री है, तुम गले लगा लो स्त्री को और कुछ नहीं है, तुम तथ्य पे खड़े हो, तथ्य पे जूझ रहे हो, तथ्य पे विवाद कर रहे हो, सत्य की तुम्हें पकड़ नहीं हो पा रही है। ये भेद सारे तथ्यात्मक हैं, सत्यात्मक नहीं है। जिसके पकड़ में सत्य आ जाता है उसके लिए भेद कुछ नहीं है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ना कोई नर है ना कोई मादा है। क्यों बताओ, ठीक है या नहीं? एक एक हत्या का एक केस चल रहा था, हत्या हो गई थी, हत्यारा पकड़ लिया गया था, केस चल रहा था, गवाह प्रस्तुत किए गए पेश किए गए। एक गवाह ने जज को बताया कि ये हत्या रात में हुई और ऐसी जगह पे हुई जहाँ आसमान में तारे दिख रहे थे और चंद्रमा निकला हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी गवाह, जिसे वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह एक एक प्रस्तुत किया गया। क्या मौके वारदात, यही कहते हैं ना, मौके वारदात पे जो उपस्थित था, तो उसके बाद दूसरे गवाह को पेश किया गया। दूसरा गवाह कहता है कि ये हत्या घर के अंदर हुई है। अब जज जो था उसने वकील से कहा कि ये बताओ कि ये क्या पागलपन की बात है, मैं क्या जजमेंट दूं? एक कह रहा है हत्या वहाँ हुई है जहाँ पर कि रात के समय जहाँ चांद तारे दिखाई दे रहे थे, दूसरा कह रहा है हत्या वहाँ हुई है घर के अंदर हुई है, तो ये दोनों में से मैं किसे सही मानूं? और दोनों को तुम कह रहे हो कि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो वकील ने कहा कि मिलॉर्ड थोड़ा इंतजार कीजिए, तीसरे गवाह को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो बता देगा, वो भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। तीसरा गवाह प्रस्तुत किया गया, तीसरा गवाह आया। तीसरे गवाह ने कहा कि बात यह है कि जो पहले गवाह ने कहा वो भी सही है, जो दूसरे ने कहा वो भी सही है। सच्चाई ये है कि ये घटना मकान के अंदर ही घटी है, पर उस मकान में छत नहीं थी। हाँ, मकान में सब ये हत्या मकान के अंदर हुई मगर मकान में छत नहीं पड़ी हुई थी, तो वहां तारे भी दिखाई दे रहे थे और चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था और साथ में मकान के अंदर हत्या हुई, तो दोनों ही सही है। अभी इसी में देख लो कि तथ्य और सत्य में कितना भेद हो जाता है। तथ्य पे चलो तो दोनों में विवाद है और सत्य जो है कि घटना ऐसी जगह हुई है जहां दोनों बातें साथ साथ जुड़ी हुई। तो इस तथ्य से सत्य की तरफ यात्रा करो, परमात्मा की अगर अनुभूति करना चाहते हो तो। गीता में 15वें अध्याय के का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण ने बिना अर्जुन के पूछे, उलम मेरी जो स्थिति है वो ऊपर की ओर है, ऊर्ध कहते हैं ऊपर को, अधो कहते हैं नीचे की ओर,
तो शरीर के बारे में बताया कि शरीर का जो मूल है वो ऊपर की ओर है और जो इसकी शाखाएं हैं नीचे की ओर हैं, ये उल्टा पेड़ है। उस उल्टे पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करनी होती है, मूल की ओर। अब एक प्रश्न तुम्हारे अंदर पैदा होगा, क्या ज़रूरत है मूल की ओर यात्रा करें? हाँ हाँ, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। माओ से तुम के जीवन की एक घटना याद आती है मुझे। माऊ छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने अपने घर के पास एक बगीचा लगा रखा था, बड़ा सुंदर सा। माऊ से तुम छोटा था ही, वो बगीचे की देखभाल माऊ की माँ स्वयं करती थी। एक बार माऊ की माँ बीमार पड़ गई, बहुत ही अस्वस्थ हो गई, चिंतित रहती थी, चिंता थी उसे। तो माऊ ने एक दिन पूछा कि क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई देती है, माँ क्या बात है? तो माऊ की माँ ने कहा कि बेटे बात यह है कि मुझे चिंता बगीचे की है, मैंने बड़े परिश्रम से इस बगीचे को तैयार किया है, उसमें सब तरह के फल फूल हैं, अब मैं बीमार पड़ी हूँ तो मैं सेवा नहीं कर सकती, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बगीचा सूख जाए। तो माऊ ने कहा, माँ आप निश्चिंत हो जाओ, मैं पूरी तरीके से अपना सारा परिश्रम, सारा श्रम लगा करके उस बगीचे की देख रेख करूँगा। माऊ ने देख रेख करनी शुरू किया, रोज़ जाता था बगीचे में, ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था। घटना बताती है कि जब माऊ की माँ स्वस्थ हुई तो बगीचे में गई, वहाँ देखा तो सारे पेड़ जो थे मुरझाए हुए थे। मुरझाए हुए पेड़ों को देख करके माऊ को बुलाया और बुला के पूछा, क्यों बेटे, तुमने तो कहा था कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बगीचे में लगाऊंगा, सारा समय बगीचे में लगाऊंगा, सेवा करूंगा, ये क्या हुआ, सारा बगीचा सूख गया? माऊ रोने लगे। जब रोने लगे तो जैसे माँ का हृदय होता है पुचकार करके, नहीं बेटे रोने की बात नहीं, बताओ क्या बात। माऊ ने कहा कि बड़े भोलेपन से माऊ ने कहा कि माँ बात यह है कि मैं सचमुच सारा समय बगीचे में लगाता था और पूरी सेवा करता था, मगर मुझे नहीं पता कि ये पेड़ कैसे सूख गए। तो माँ का आश्चर्य और बढ़ा। माँ ने पूछा, अच्छा बेटे तुम करते क्या थे? तो माऊ ने कहा, माँ मैं एक कपड़ा लेकर के ये जितने पेड़ हैं उनके जितने पेड़ पत्ते हैं सबको रोज साफ करता था, सबको इनकी सफाई करता था। तो माऊ की माँ को हंसी आ गई, उसने कहा, बेटे पेड़ों की जान जड़ में होती है, पत्तों में नहीं होती। तूने पत्तों का ध्यान किया, डाली का ध्यान किया, शाखाओं का ध्यान किया, जड़ की ओर तूने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए ये सब सूख गए। यही घटना हम सब के जीवन की है। हमारे जीवन में अगर निराशा है, चिंता है, परेशानी है, कल मैं राघव से बात करते हुए बता रहा था, मैंने कहा देखो आज की समस्या है कि स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, ये जो मैनेजमेंट ये तमाम चला है ना, कंपनियां बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस दे करके लोगों को, उन सब का परिणाम अखबार में जब भी आता है तो यही आता है कि आजकल तनाव स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अब इन सब का कारण, वैज्ञानिक कारण क्या है? मैं तो धर्म कहता अशांतस्य कुतासकम, गीता कहती अशांत व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। अब उस अशांति का, तनाव का कारण, वैज्ञानिक कारण क्या है? योग पूरी तरह से वैज्ञान पर आधारित है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। विज्ञान ने जो कुछ खोज की है उसके हिसाब से हमारे सबके ब्रेन से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है और वही तनाव का कारण है। अगर हम किसी तरह इस हार्मोन को बंद कर दें, कार्टिसोल पैदा न हो, तो तनाव हट जाएगा। अब कैसे कार्टिसोल हटेगा? विज्ञान ने ये तो खोज कर ली कि दिमाग में एक कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, मगर ये नहीं बता पा रहा है कि उसे हटाया कैसे जाए, और उसके हटाने का तरीका केवल योग के पास है, या प्राणायाम से हटेगा,
और मेडिटेशन ध्यान, इसीलिए अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यानी आठ अंग में उसे बांटा गया। ध्यान और समाधि तक इसीलिए ले गए कि ध्यान ही वो विधि हो सकती है जो इस कार्टिसोल को ज़्यादा फैलने से रोक सके। थोड़ा बहुत तनाव तो रहना कुछ ज़रूरी भी है, थोड़े उससे तो काम इसका ऐसे आदमी बिल्कुल सेटल हो जाएगा। इसी तरीके से धर्म हमसे कहता है काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। हम भी सुन लेते हैं, तुम भी सुन लेते हो और बड़े कि हाँ काम क्रोध बुरा। गीता भी कह देती है शक्नोति है याशो डुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधो उद्भवम वेगम संयुक्ता सुखी नरा। जो काम क्रोध के उद्वेग से पीड़ित है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी भगवान से जुड़ नहीं सकता। गीता कह देती, सब कह देती, सब सुन लेते हो, मगर तुम्हें पता है कि डोपामाइन नाम का एक स्राव निक होता है ब्रेन के अंदर जो उत्तेजना पैदा करता है, वही क्रोध का काम का लोभ का कारण है। उसको रोक दिया जाए तो ये पैदा नहीं होंगे और वो रुकेगा ध्यान से, और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहे जितना जप कर डालो, जितना तप कर डालो, चाहे जितना तीर्थ कर डालो, ये जो संतों परंपरा है उन्होंने तीर्थ वगैरह हमरे तीर्थ को संत मलुक दा हमरे तीर्थ को न करे हृदय माँ ही बसे परमानंद ताही को ध्यान धरे हमरे तीर्थ को न करे। इनको कोई तीर्थ से दुश्मनी थी मगर इस विज्ञान का उन्होंने पता नहीं था उस समय तक, ये सामने नहीं आया था, पर अनुभव से उन्होंने जान लिया था कि कोई चीज़ दिमाग से ऐसी निकलती है जो हमें क्रोध करने पर अगर हम उसे रोक दें तो बाकी वो न तीर्थ से ठीक होगी, न तप से ठीक होगी, न जप से ठीक होगी, वो होगी तो ध्यान से ही सही होगी। जब तक ध्वनि के परे निर्ध्वनि तक हम नहीं ले जाते, ध्वनातीत तक नहीं ले जाते, तो ये समस्या हल नहीं होगी। अब तुमने बड़े ध्यान से प्रेम से मेरी बात को सुन लिया है, अगर समझ में आवे तो ये मार्ग जो है खिड़की उड़ वाले जो रास्ता है ना, खिड़कियों से तुम्हें पूरा परम तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। तुम जब तक खिड़की नहीं छोड़ोगे तब तक खुले आकाश में आने को तैयार नहीं होगे, तो ये बात बनने की नहीं है। तुमने बड़े ध्यान से सुन लिया, मैं बड़ा आभारी हूँ और बड़ी कृपा है तुम लोगों की कि तुम सुन लेते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।